हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ब्यूटीन और मैं हूँ आलिया। दोस्तों, कलोंजी यानी कि नाइजेला सीड्स फुल ऑफ फाइबर होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आजकल बहुत से लोग वज़न को कम करने के लिए कलोंजी का तेल भी अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वज़न को कम करने के लिए कलोंजी के इस्तेमाल का जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही सादा और आसान है। दोस्तों, कलोंजी का लगातार इस्तेमाल हमारे बॉडी फैट को कम करने में बहुत ही बेनिफिशियल है। करना आपने ये है कि रोज़ाना तकरीबन 2 गिलास पानी बॉयल करने हैं और इसमें अदरक के 2 से 3 छोटे छोटे पीसीज ऐड करके उसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब यह पानी नीम गर्म रह जाए तो आपने 1 गिलास पानी लेना है, छलनी से छान लें ताकि अदरक के पीसीज इसमें से निकल जाएं। अब आप इसमें ऐड करें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें शहद ऐड कर लें। दोस्तों, कलौंजी का इस्तेमाल मैं कई सालों से कर रही हूँ, मुझे इसके बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसके बाद आप इसमें अगर चाहें तो लेमन का रस इसमें ऐड कर सकती हैं। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप कर दें। मुझे भी लेमन से एलर्जी है, इसीलिए मैं इसमें लेमन जूस ऐड नहीं करती। अब आपने ऐसे करना है कि कलौंजी के तकरीबन 7 से 8 दाने आपने ले लेने हैं। गिन के 7 से 8 दाने कलौंजी के आप ले लें और उसको इस पानी के साथ रोज़ाना आपने खाली पेट खा लेना है। और यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो कलौंजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, रोज़ाना आप कलौंजी का इस्तेमाल नाश्ते से पहले करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।